रैप और हिप हॉप के जमाने में कुछ सिंगर्स ऐसे भी हैं जिनका अपना एक अलग स्टाइल है। उन्हीं में एक है सुदेश भोसले, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन की आवाज से जानते हैं। वैसे तो सुदेश ने कई सारे एक्टर्स को अपनी आवाज दी है, पर वो खुद भी मानते हैं कि उनकी आवाज सबसे ज्यादा बिग बी को सूट करती है। सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई, ओए सोना सोना, ओए दिल मेरा सोना। ये गाना था अमित जी और ऋषि कपूर के लिए, मामा दादी साहब ने गाया था और मैंने अमित जी के लिए। तो ये गाना था, वो मुन्ना भाई ऐसे गाते मोहम्मद अजी, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये डायलॉग कम सॉन्ग था जो पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया अमित जी की आवाज़ में किसी फिल्म के लिए। तो ये गाना जब सुना अमित जी ने, तो उन्होंने फिल्म सिटी में बुलवाया कि कौन है। शशि कपूर जी मुझे ले गए वहाँ पर, अमित जी सामने खड़े थे साक्षात अमिताभ बच्चन, और मैं अपना कांपते हुए उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तो सामने से अमिताभ बोले, अमित जी बोले, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, ये गाना मैंने कब गाया मुझे पता ही नहीं चला। सुदेश ने अमित जी के साथ कई सारी फिल्में की हैं और अभी भी चीनी कम, भूतनाथ, जमानत, शोले जैसी कुछ फिल्में वो एक साथ कर रहे हैं। जहाँ सारी दुनिया मानती है कि सुदेश भोसले काफी लकी हैं, वहीं सुदेश का कहना है कि अमित जी की आवाज बनने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। जुम्मा चुम्मा हिट होने के बाद अमित जी ने खुद 6 साल संन्यास ले लिया था। वो पीरियड मेरे लिए बहुत ख़राब था, मतलब इसलिए नॉर्मली क्या होता है किसी भी, फिर वो सिंगर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, उनका कोई अगर एक चीज़ हिट हो जाती तो उनके उस तरह उनको काम मिलता है। लेकिन आफ्टर हम अमित जी ने काम ही नहीं किया, तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी सोच में पड़ गए, तो इसने तो अब जुम्मा चुम्मा गा लिया अमित जी की आवाज़ में, शायद इसकी वॉइस दूसरे हीरोज को मैच हो ना हो, तो उससे भी थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ था मेरे लिए। सुदेश का मानना है कि सिंगर्स के साथ साथ इतने सालों में म्यूजिक में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले हमारा जो वक्त था वो हम लोग ना किसी को फॉलो करते थे, क्योंकि इतने किशोर दा, रफ़ी साहब छाए हुए थे हमारे दिल धमाके। फिर अभी की नई जनरेशन वो नहीं करती, वो अपनी ही आवाज़ में गाती है और वो अभी के जो हीरोज़ हैं उनको सूट करती आवाज़। वैसे तो सुदेश ने अपने करियर की शुरुआत पेंटिंग बनाने से की थी, पर म्यूजिक की तरफ उनके खिंचाव ने उन्हें सिंगर बना दिया। आज वो एक कामयाब सिंगर के साथ साथ एक कामयाब मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। यशोदा का नंद लाला है, ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई बिलाल नहीं रे, जू 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 बापू। पर कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी टाइपकास्ट होने का दर्द साफ नजर आता है।